नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेतानगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। न्यायतंत्र, अगर किसी आम इंसान को या बड़े से बड़े इंसान को अगर किसको न्याय चाहिए होता है तो उसे न्यायालय का दरवाज़ा ठोकना पड़ता है। लेकिन उसके पहले हम किसी न्यायालय में जाएं तो एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ऐसे एक वकील जिनके साथ चर्चा करेंगे, जिनका नाम है दिवाकर द्विवेदी जी। दिवाकर द्विवेदी जी अंधेरी के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध वकील हैं और कई सालों से वो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और हम उनसे जानेंगे भी कि कुछ गरीब से गरीब लोगों के भी उन्होंने न्याय दिलाया है। तो ऐसे जाने माने और प्रसिद्ध वकील श्री दिवाकर द्विवेदी जी का मैं नेतानगरी 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूँ। दिवाकर साहब का हार्दिक स्वागत है। दिवाकर सर, आप पिछले कई सालों से इस पेशे से जुड़े हैं और लोगों को न्याय दिलाया है, क्या कहेंगे? मैं करीब 40 साल से इस पेशे से जुड़ा हुआ हूं और मैंने हर कोशिश की है कि चाहे बड़े से बड़े लोग आवे या छोटे से छोटा भी लोग आवे, उसको न्याय पालिका तक ले जाना और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करना, ये हमने अपना फर्ज समझा। सर, अभी 40 साल आपने जो सेवा की उसमें कुछ विशेष बात कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या बताएंगे? कई बार तमाम उतार चढ़ाव आए लाइफ में, अच्छे भी काम हुए, कुछ हाथ से गलतियाँ भी हुई, लेकिन ओवरऑल एक एवरेज देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। सर, अपना न्यायतंत्र जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपना कानून क्या कहता है? कानून के बारे में एक्चुअली ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सही बात, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। खाली कानून के बारे में ही अगर बात की जाए तो कई दिन लग जाएंगे। सही बात। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे नंबूदरी पाल, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कानून एक मकड़ी के जाले की तरह, उसमें कमज़ोर कीड़े फंस करके उलझ के मर जाते हैं और जो मजबूत या ताकतवर कीड़े होते हैं वो उसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उनका कहने का मतलब था कि जो पैसे वाली पार्टी है वो बड़े से बड़ा वकील कर लेती है, अच्छे से अच्छा सिस्टम अपनाती है और कानून के खिलाफ काम करने के बाद भी वो जीत जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनके पास कायदे के वकील नहीं मिल पाते, महंगे वकील नहीं मिल पाते, इसके लिए वो उस केस को अच्छी तरह लड़ नहीं पाते और अल्टीमेटली हार जाते हैं। तो ऐसे में ये, हालांकि नंबूदरी पाल जी ने कहा इस बात को, कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया और उनको सजा भी हुई, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तरीके से देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर है। आज देखिए तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स कई मर्डर्स करके छूट जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ गवाही देने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। आज गवाही देने के लिए आए, कल उनकी दुश्मनी हो गई, टारगेट पे वो चढ़ गए और उस टारगेट की वजह से पता चला कि उनकी फैमिली बर्बाद हो गई। आज हमारे सिस्टम में, हमारे कानून में, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में गवाहों के लिए इतनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है कि उनको जो है सेफ किया जा सके, सिक्योर रखा जा सके। इसलिए कई इस तरह के उदाहरण हैं जिसमें गवाहों को बाद में तकलीफें हुई। लोग इसीलिए सोचते हैं कौन मगजमारी में पड़े, कौन इस झंझट में पड़े, और लोग कोर्ट में जाना नहीं चाहते। सर, आपको लगता है कि संविधान के द्वारा इस कानून के विषय में सुधार लाया जा सकता है? सुधार जरूरी भी है और लाया जा सकता है। आज हर फील्ड में अगर आप देखिए तो सुधार की ज़रूरत है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, या और भी जितने भी धाराएं बनी हैं, जितने भी कानून बने हैं। आज हम कोर्ट तक जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद उसमें प्रोसीजर इस तरह का है, प्रावधान इस तरह का है कि सामने वाले को मौका दिया जाता है। अब सामने वाले को मौका देने के नाम पे तारीखें पड़ती हैं और धीरे धीरे केस इतना लंबा हो जाता है
कि लिटिगेंट्स जो है फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि अरे इतना दिन हो गया अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो उनका जो मनोबल है वो टूटता है, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो इन सब को एक सुधार लाने के लिए, जिससे कि ट्रायल वगैरह एक्सपीडिशियसली हो, केसेस का सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, सरकार प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह चाहिए उस तरह का सुधार नहीं आया है। अब इसमें सबके सहयोग की भी ज़रूरत है। अगर पुलिस केस है तो पुलिस के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, विटनेसेस के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और जुडिशियरी को भी उसका कॉग्निजेंस इमीडिएट लेना चाहिए। अगर सारे मिलजुल करके इस नीयत से काम करें कि भाई हमको केस का फैसला जल्दी करना है, तो इसमें सुधार हो सकता है, जल्दबाजी हो सकती है और लोगों को जल्दी न्याय मिल सकता है, लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तो सर आपने जो कहा, तो ये कैसे हो सकता है, कुछ ऑप्शन कुछ आप कैसे बताएंगे? मैंने बताया कि पहले तो कानून में थोड़ा सुधार लाना ज़रूरी है, एक रिस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी है कि इस केस का फैसला या इस टाइप की केसेस का फैसला इतने महीने, इतने साल, इतने दिन में होना चाहिए। हाँ, बहुत पेंडिंग होते हैं। हाँ, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है। सही बात। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है भी, अब जैसे कि 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो केसेस हैं उसका प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर उसका फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि 6 महीने तक उसमें प्रोसेस ही नहीं इश्यू होता। तो 6 महीने में फैसला कहाँ से होगा? 3-3 साल, 5-5 साल, 4-4 साल से 138 की केसेस चल रही हैं, जबकि नियम यह है कि इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। सर आप कौन से तरह के केसेस ज़्यादातर लेते हैं और लड़ते हैं? मैं ज़्यादा करके सिविल केसेस लेता हूँ, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कनेक्टेड है, इनके खिलाफ में है, इस तरह की केसेस ज़्यादा लेता हूँ। शुरू में मैं क्रिमिनल साइड में था, इसलिए क्रिमिनल की भी केसेस अगर ठीक ठाक हैं तो मैं ले लेता हूँ। क्रिमिनल का ट्रायल मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें या तो सिविल का देख पाऊँ या तो क्रिमिनल साइड का देख पाऊँ, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ओवरलैपिंग होती है। सही बात। इसलिए मैं ज़्यादा करके सिविल में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। सर हमने सुना है कि आपने बहुत बार एक सामान्य इंसान को भी न्याय दिलाने की कोशिश की है और उनको न्याय दिलाया है आपने, तो ऑर्डर भी ला के दिया उनके फेवर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक बार मेरा एक क्लाइंट जो 7 हिल्स हॉस्पिटल में एडमिट था, उसमें डॉक्टर साहब जो बिल किए, डॉक्टर साहब छुट्टी पे थे एक हफ्ता, लेकिन उनका रोज़ का 2 टाइम का विजिटिंग चार्ज जोड़ा गया और वो डिस्चार्ज चाह रहा था, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा कि जब तक आप बिल नहीं भरोगे हम आपको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। मैंने उसमें एक रिट पिटीशन फाइल किया क्रिमिनल साइड में कि इट अमाउंट्स टू अनलॉफुल डिटेंशन। तो जज को उस टाइम पे डिवीज़न बेंच के पास गया मैटर, जस्टिस कानाडे थे, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि भाई ये इशू बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट में है, और उन्होंने उस रिट पिटीशन को क्रिमिनल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट कर दिया और उसमें ऑर्डर पास किया। पहला ऑर्डर उसमें था कि पेशेंट्स कैनॉट बी डिटेन्ड बाय हॉस्पिटल्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल। अगर इस तरह कोई भी हॉस्पिटल करता है तो उसके खिलाफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया जाना चाहिए, उसके जो पेशेंट के रिलेटिव हैं वो अगर कंप्लेंट करेंगे तो ड्यूटी ऑफिसर को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा और हॉस्पिटल के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रावधान बनाया गया। इसके अलावा हमने कहा कि सर ये जो एग्जॉर्बिटेंट बिल बना देते हैं, जो अब जैसे हमारी केस में कि डॉक्टर छुट्टी पे है और उसका विजिटिंग चार्ज लगाया जा रहा है, मैंने कहा इसके लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है बनानी चाहिए। और लास्ट में वो जजेस का बेंच चेंज हो गई, दूसरी जजेस के पास गया,
और उन्होंने भी सेम व्यू लिया पहली और पहले ऑर्डर को कि भाई देयर शुड बी नो अनलॉफुल डिटेंशन बाय द हॉस्पिटल, उस ऑर्डर को कन्फर्म किया। और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि भाई यू शुड फ्रेम अ बिल, यू शुड फ्रेम अ लॉ शुड बी इनैक्टेड टेकिंग केयर ऑफ सच पेशेंट्स हु गो टू द हॉस्पिटल और उनका बिल ना पेमेंट होने की वजह से उनको डिटेन किया जाता है, उनको रोका जाता है। तो कई बार हमारे सरकारी वकील ने उसमें तारीखें लिया, उन्होंने यहाँ तक भी कहा, बल्कि हमारे सॉलिसिटर जनरल भी उसमें अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि सर ये बिल जो है बोर्ड में प्लेस किया गया है, सेशन में पेश किया गया है एंड इट इज़ इन द पाइपलाइन, इट मे गेट अप्रूवल वेरी शॉर्टली। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो 2 साल से वो मैटर लटका हुआ है, उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो जो जजमेंट्स पास किए थे जजेस ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वो जजमेंट्स आज भी लागू है और उसमें अगर कोई हॉस्पिटल इस तरह का डिटेंशन करता है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स, आप कोई भी उसके रिश्तेदार या एक थर्ड पार्टी भी अगर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करता है तो उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। सर एक विषय है जिसके दो पहलू हम देखेंगे, जैसे क्या छोटी बच्चियां हो, लड़कियां हो या कोई लेडीज़ हो, तो एक जो फॉक्सो जैसा विषय है और एक रेप केसेस वगैरह हैं, तो सर ऐसा क्या होता है कि हमारे केस कानून इतने मजबूत होने के बावजूद भी ऐसे मैटर्स रोज, आज फॉक्सो जैसे विषय तो हर पुलिस में रोज दो तीन देखने को मिलते हैं और रेप केसेस भी कोई बिना डरे रेप होते हुए आज हम सुनते हैं और एक कुछ महीनों में 2-3 महीनों में ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो सर ये क्या है, कानून इतना कड़क नहीं है, सख्ती से नहीं पेश आता है कि क्या होता है? देखिए कानून तो बहुत ही सख्त बना दिया गया है जिसमें कि कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। आज उस कानून का कहीं कहीं सदुपयोग हो रहा है, कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। हम आपको बताएं, हमारे पास एक पोक्सो की केस आई थी जिसमें मालूम पड़ा कि उस औरत ने, लड़की की माँ, उसने सामने वाले से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो उधार मांगने के लिए बार बार वो जाता था और पैसे नहीं दे पा रही थी, तो उसके तगादा से अपना जान छुड़ाने के लिए उसने एक कॉन्स्पिरेसी रचा और अपनी 13-14 साल की लड़की को इस तरह का सिखाया कि तू इस तरह पुलिस स्टेशन में चल के बोल, उसको जो है इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि लड़की ने कह दिया कि भाई हमारे घर पे आया था और मेरे डेस्क के अंदर हाथ वाथ डाला। अब उस कंप्लेन के तहत आज वो आदमी 3 साल के ऊपर हो गया, बंद है, उसका कसूर कुछ भी नहीं, वो उसके घर पे कभी गया भी नहीं था, लेकिन वो पैसा नहीं देना पड़े इसके लिए इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा गया। तो अब ऐसी केसेस में इसीलिए कोर्ट ये चाहता है कि भाई गुनाहगार आज एविडेंस के अभाव में छूट जाए वो कबूल है, वो चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब हमारा कानून जो है हर तरह से हमको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कानून को तोड़ने वाले उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालने का है। खैर उसमें कुछ गुनाह, कुछ कसूर, कुछ हम लोगों का भी है कि हम लोग भी उनको कुछ रास्ता बता देते हैं कि भाई वकील होने की वजह से तुम ये करेगा तो छूट जाएगा, ये करेगा तो बच जाएगा, तो इसमें कुछ हम लोगों का भी कसूर है। लेकिन अब रह गया बलात्कार के केसेस, बलात्कार के केसेस में कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान है, लेकिन अब उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, एविडेंस की। कोई कोई लड़की शुरू में तो लिखवा दी कि भाई हमारे साथ इस तरह का हुआ, सामाजिक बंधन से कि भाई समाज में क्या लोग सोचेंगे, हमारी शादी नहीं होगी, हमारा अगला संसार नहीं चलेगा, इसलिए वो कोर्ट में आती नहीं,
कंप्लेंट लिखाने के बाद FIR के बाद वो आती नहीं। इसके लिए जब तक विक्टिम कोर्ट के सामने नहीं आता, कोर्ट मजबूर हो जाता है आरोपी को छोड़ने के लिए। इसलिए विक्टिम का आना जरूरी है। दूसरा, किसी किसी केसेस में अब विटनेस कोई बाहरी नहीं होता, लड़की है और उसके साथ जो क्राइम करने वाला आदमी है वो है। अब लड़की जो जिसके साथ घटना हुई है वो अगर कोर्ट में सही सही स्टेटमेंट जैसे पहले रिकॉर्ड किया गया है उसको कंफर्म करते हुए अगर नहीं बोल पाई, उसके स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन हो गया, ओमिशन हो गया, तो ये सब का फायदा एक्यूज को मिलता है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट्स कहते हैं। तो कुछ एक्यूज जो है बेनिफिट ऑफ डाउट्स पे छूट जाते हैं। तो आज इन सब की वजह से कन्विक्शन कम है, कन्विक्शन रेट कम होने की वजह से लोगों को लगता है कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं, हम छूट जाएंगे। तो जो फियर एक चाहिए, एक दिमाग में इम्प्रेशन बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ पा रहा है। सर, अभी जैसे आपने कहा ये बात तो सही है कि जो अगर गुनेगार हैं, अगर किसी ने फॉक्सो के मैटर में या रेप केस में अगर गुनाह किया है तो उसे शिक्षा होनी चाहिए, बात सही है। लेकिन सर, मैंने भी बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि बहुत, एक हमारे यहाँ पे भी हम एक लड़की को मैंने देखा था जो आज भी 3 साल से जेल में बंद है, हालांकि वो कुछ विषय उनका नहीं था। तो ऐसे अगर कोई गलती से फंस जाते हैं तो वो इस गुनाह से, न्याय तंत्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका कोई उपाय है, आपको क्या लगता है? इस तरह के केसेस में ये बेल के पीरियड में तो उनको रिलीफ नहीं मिल पाती, लेकिन ट्रायल में वो केस को प्रूफ नहीं कर पाती, जिस तरह जहाँ पे झूठ का सहारा लिया जाता है ऐसी केसेस ट्रायल में फेल हो जाती है। तो उनको रिलीफ मिलेगा लेकिन वो ट्रायल में ही मिलेगा। अब वो ट्रायल आने के लिए कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3-3 साल तक लग जाता है। तो जब तक ट्रायल नहीं शुरू होता या ट्रायल ख़त्म नहीं होता, उस इनोसेंट विक्टिम को जो अंदर है तब तक तो उसको अंदर रहना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। सर, अभी आप जैसे बोले कि प्रॉपर्टी के केस आप बहुत सारे हैंडल करते हो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि आज भी, जैसे अभी कोरोना का समय था तो उस समय बहुत केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, और बहुत ऐसा है कि इतने पेंडिंग है कि कई सालों तक कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और प्रॉपर्टी के जो विषय हैं उसके लिए तो बहुत समय ऐसा होता है कि ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन वो सब्जेक्ट को कम्प्लीट नहीं कर पाता या उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्या कहेंगे? पहले इस तरह का होता था कि आज हमने केस फाइल किया तो उसका ट्रायल 15 साल बाद शुरू होगा, लेकिन अब जो है हमारे प्रोसीजर में काफ़ी सुधार आया है, CPC में अमेंडमेंट किया गया है। इसमें अब हम देख रहे हैं कि भाई ट्रायल जो है 2 से 3 साल में शुरू हो जा रहा है और 4 से 5 साल में ख़त्म हो जा रहा है। तो पहले जो 15 से 20 साल वाली सिचुएशन थी आज वो नहीं है। आज इस पीरियड को मिनिमाइज़ कर दिया गया है और यहाँ तक कि CPC में जो अमेंडमेंट किया है कि भाई अगर प्लेंट फाइल हुआ है, सूट की सर्विस हो गई है, सम्मन सर्व हो गया है, तो within 3 months रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना ही करना है। अगर नहीं कर पाते हैं फिर उनको कंडोनेशन ऑफ डिले का अप्लीकेशन करना पड़ता है, प्रोसीजर बढ़ जाता है। इसलिए लोग, खास करके हमारे भाई लोग, वकील लोग चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि 3 महीने के अंदर ही रिटर्न स्टेटमेंट हम फाइल कर देंगे, जिससे कि ट्रायल की प्रोसीजर शुरू हो सके, ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सर, हमने सुना है कि आपने राम जेठमलानी जी जैसे बड़े वकील के सामने भी अपने पार्टी के केस लड़े हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील हैं। क्या है, अब कुछ ऐसे हालात मिल हुए थे सामने जिसमें मैंने एक मर्डर केस में बेल एप्लीकेशन किया और अंधेरी कोर्ट से ही मुझे बेल एप्लीकेशन अलाउ हो गया और उस आरोपी को बेल मिल गई। जो विक्टिम के लोग थे वो जेठमलानी को अप्रोच किए, आज के 25 साल पहले की बात है, जेठमलानी को अप्रोच किए, उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को पावर ही नहीं है
किस तरह से बेल दी। उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि भाई ऑर्डर पास बाय मजिस्ट्रेट इज बैड एंड इट शुड बी सेट असाइड और आदमी को वापस जेल में डालना चाहिए। वो मैटर में दो बार तीन बार तारीख पड़ी, लेकिन जस्टिस सुरेश उस टाइम पे हाई कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि भाई आज केस को छूट करके, मतलब उस आरोपी को छूट के 2 से 3 महीना हो गया, वापस अंदर डालने लायक सिचुएशन नहीं है, इसलिए हमने अगर बेल दे दिया है तो हम और मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया है तो उसको कैंसिल करना ठीक नहीं है। कोई नए हालात इस तरह के नहीं हुए हैं कि बिल को कैंसिल किया जाए। तो उस टाइम पे एक मौका मिला था जबकि हमारे सामने श्री जेठमलानी जी थे जो कि एक हाथी और चूहे जैसा टक्कर था, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। सर एक बड़ा विषय आपको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो एसआर का विषय था, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का सपना, साहब का सपना था कि एक आम इंसान, गरीब इंसान को एक अच्छा घर मिले, और उन्होंने बहुत कोशिश करके एसआरडी से शुरुआत की थी, एसआरए स्टार्ट हुई। लेकिन आज ऐसा कुछ ऐसे होते दिख रहा है कि आम इंसान को घर नहीं मिलता, डेवलपर अपने खेल खेलता है, सोसाइटियाँ अपने खेल खेलती हैं, और बहुत बार ऐसी वीडियोज़ भी हमने देखे हैं कि लोग कई सालों से रोते रहे लेकिन उनको अपना घर नहीं मिला, रेंट नहीं मिला, उसके लिए बहुत लड़ते। तो आपके पास भी सर ऐसे केस आए होंगे, आप क्या बताएंगे? सारे बहुत अच्छी स्कीम निकाला गवर्नमेंट ने जिससे कि एक गरीब आदमी जो छोटे से छोटे रूम में रहता है, झोपड़े में रहता है, उसको भी बिल्डिंग में कंफर्टेबली रहने की सुविधा प्राप्त हो सके। लेकिन कहीं पे इसका यूज़ हो रहा है तो बहुत जगहों पे इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट रहता है उस टाइम पे अपने एजेंट्स छोड़ देते हैं कि भाई किसी को एसआरए का फ्लैट चाहिए तो लेके आओ, हम उनके नाम पे एग्रीमेंट करके देते हैं। आज गरीब लोग जो है लालची भी होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सस्ता फ्लैट मिल जाए। अगर मान लीजिए मुझे चाहिए एक फ्लैट और फ्लैट की कीमत 35 लाख 40 लाख है और मुझे वो फ्लैट 20 लाख 25 लाख में मिल रहा है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उस फ्लैट को लूँ। ऐसे में वो एजेंट उस पार्टी को बिल्डर तक ले जाता है, बिल्डर उसके साथ बाकायदा एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट में लेकिन ये नहीं दिखाता कि हमने इससे 20 लाख या 25 लाख लिया है, वो दिखाता है कि ये एसआरए का जो है ऑक्यूपायर है, स्लम ऑक्यूपायर है और इसको हम अल्टरनेटिव देंगे। इसमें कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को अल्टरनेटिव प्रीमाइसिस दिया भी गया, अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिया, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे हैं जो कि वो एग्रीमेंट लेकर के आज भी घूम रहे हैं और उनको रहने के लिए नहीं मिला। दूसरा इसका जो दुरुपयोग हो रहा है कि बिल्डर ने लोगों के साथ, स्लम ड्वेलर्स के साथ शुरू में एग्रीमेंट किया, उनको 1 साल 11 महीने या 2 साल का भाड़ा दिया ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए, और वो भाड़ा देने के बाद वो 2 साल ख़त्म हो गया या 1 साल ख़त्म हो गया। अब वो बेचारा ऑक्यूपायर ढूंढ रहा है बिल्डर को कि भाई आगे का क्या करें। बिल्डिंग एक फ्रेम बन करके लटकी है, आगे उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है और 8-8 साल 9-9 साल 10-10 साल से वो ऑक्यूपायर विदाउट एनी ट्रांजिट रेंट, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कोऑपरेशन फ्रॉम द बिल्डर वो घूम रहा है। ये कभी कोर्ट भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, कभी रजिस्ट्रार के पास भाग रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। वो परेशान का परेशान ही है। दूसरा उसमें और 2 पहलू हैं, एक तो एलिजिबल ऑक्यूपायर और दूसरा नॉन एलिजिबल ऑक्यूपायर। एलिजिबल पात्र जिसे कहते हैं, पात्र अपात्र जिसे कहते हैं, तो पात्र को तो देना है, बिल्डर को हर हाल में देना है, लेकिन उनको भी कब मिलेगा ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। आज 2 साल का एक भाड़ा दिया चले गए, उसके बाद से बेचारे घर से बेघर हो गए, उनको क्या
10 साल तक घूम रहे, ना तो फ्लैट है, ना रूम है, ना कुछ है, भाड़े पे रह रहे, तो गरीब तो पहले से थे और गरीब हो रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन एलिजिबल हैं, अपात्र हैं, अपात्र को भी बिल्डर बोलता है कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो, घर खाली करो, हम पात्र करवा के देंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आज उस अपात्र को 11 महीने का भाड़ा दे करके 1,10,000 में उसको बेघर कर दिया जाता है। उसके बाद जब पात्र होने की बात आती, बोलते हैं तुम जाकर के पात्र करवा के लाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है क्लियर मिसयूज है SRA स्कीम का। अब वो जो अपात्र है वो बेचारा SRA में धक्के खाए, घूमे दौड़ता रहे, ना तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, ना तो ट्रांजिट रेंट मिलेगा, ना तो जो है कोई बेनिफिट मिलेगा। वो 1,10,000 या 1.5 लाख या 2 लाख में घर से बेघर हो गया, भले ही वो अपने झोपड़े को 10 लाख में खरीदा हो, 8 लाख में खरीदा हो, आज वो बेघर। इसके अलावा जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कुछ बेचारे उस लालच में कि बिल्डर हमको घर दे रहा है, घर ले लिए, घर में रहने भी लगे, कहीं से उन SRA की अथॉरिटीज़ को मालूम पड़ा इसमें कुछ इलीगल ऑक्यूपायर भी हैं, SRA नोटिस दे दिया अंडर सेक्शन 3E कि भाई आप शो कॉज करो कि कैसे तुम हो। तो बेसिकली वो स्लम ड्वेलर्स था नहीं, उसके पास स्लम के डॉक्यूमेंट होना इम्पॉसिबल है, इसलिए SRA अपना पावर 33 या 38 का यूज़ करके ऐसे ऑक्यूपायर्स को बाहर निकाल देती है। आज देखने जाएं तो उस ऑक्यूपायर का क्या कसूर है? उस ऑक्यूपायर ने बिल्डर को 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो भी दिया है, पैसा तो दिया है, उसके बदले में बिल्डर ने रहने को घर दिया, लेकिन वही बिल्डर SRA के थ्रू उनको खाली करवा दे रहा है। तो ये जो मिसयूज़ है ये बहुत ही गलत है। मैं इस पे विचार बना रहा हूँ एक PIL फाइल करने के लिए कि भाई इसमें जो ऑक्यूपायर है उसका क्या कसूर है। अगर बिल्डर ने ऐसे ऑक्यूपायर को फ्लैट दिया रहने के लिए, तो फ्लैट की जो FSI है बिल्डर के टोटल FSI में से माइनस हो जाना चाहिए, और वो फ्लैट जो है उस बिल्डर उस ऑक्यूपायर को परमानेंटली दे देना चाहिए, उसको बाहर निकालना ये गलत है। तो मैं ये करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा। और ये एक दो बिल्डरों का काम नहीं, एक दो डेवलपरों का काम नहीं है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बिल्डर्स SRA के फ्लैट को बेच रहे हैं, बेच करके उनको घर भी दे रहे हैं, और बाद में बेचारे घर से बेघर हो जा रहे हैं, उनका पैसा डूब जा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी SRA में दौड़ रहे हैं, कभी कोर्ट भाग रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट ज़ीरो है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है और हम PIL की तैयारी में लग गए। सर एक सवाल मेरा ऐसा था कि जैसे आपने कहा कि SRA जो डिपार्टमेंट है वो एक गवर्नमेंट का पार्ट है, तो बात ऐसी होती है कि कभी न्याय तंत्र से भी ऐसे कुछ चाप नहीं लगता, उनको कुछ ऐसी एक एक्शन नहीं लिया जाता कि SRA ने भी प्रॉपरली काम करना चाहिए? क्योंकि SRA में बहुत सारे विषय होते हैं लेकिन उसको दबा दिया जाता है कि क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि कई बार आपने कहा अपात्र का विषय, आप SRA को जाइए और पात्र करके लीजिए, तो उसमें बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये सब विषय लोगों को पता है लेकिन उसके ऊपर न्याय नहीं मिलता, या तो उसके ऊपर कुछ बंधन नहीं आते SRA पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक अनऑफिशियल बात है कि आज SRA में पात्र कराने के लिए भी हमारे पास लोग आते हैं, बताते हैं कि साहब हमने वहाँ 1.5 लाख रुपया खर्चा किया तब मुझे पात्र किया गया। अब वो पैसा कौन लेता है, किसके पास जाता है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उनके भी अब चाहे SRA की अथॉरिटीज़ हैं, रजिस्ट्रार है या CEO है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डिप्यूटी कलेक्टर है, कहीं ना कहीं इनका एक चैनल बना हुआ है जो एजेंट के थ्रू पैसा लेते हैं
और अपात्र को भी पात्र करके देते हैं। अब इसमें जो है देखने जाइए तो SRA के लोग, डेवलपर के लोग और कुछ एजेंट, यहाँ तक कि जो सोसाइटीज़ हैं वो भी इसमें मिली हुई होती हैं, और ये सारा मिलजुल करके इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। मरता कौन है इसमें? वो गरीब ऑक्यूपायर। सही बात। अगर वो अपात्र है, वो पात्र कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, इनसे मिलता है, उनसे मिलता है, लास्ट में पैसे भी खर्चा करता है। कभी कभी वो अपने मिशन में सक्सेस होता है, पात्र हो जाते हैं, कभी पैसे जाने के बाद भी नहीं पात्र हो पाते। सर, तो मेरा यही सवाल था आपसे कि SRA को ऐसे कानून क्यों नहीं बताए जाते, उनके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, न्याय तंत्र SRA के ऊपर कुछ जवाबदारी या बर्डन क्यों नहीं डालता? आज SRA के खिलाफ एक AGRC बनी हुई है, अपेक्स ग्रेवांस रिड्रेसल कमिटी। ये जो है SRA का कोई भी फ्रॉड है, कुछ भी है, उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए बनाया गया है। लेकिन वहाँ पे ऑर्डिनरीली अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल किया है या पिटीशन फाइल किया है, उसकी सुनवाई दो दो तीन साल तक होती ही नहीं। वो पड़ा है। सुनवाई किस में होती है? जिसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन है या किसी में अर्जेंसी है। अब अर्जेंसी का पार्ट डिसाइड करना उस कमेटी का काम है। कमेटी का मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है वो एक अवॉइडिंग टैक्टिक्स वो लोग अपनाते हैं, किसी तरह से क्लाइंट को या पार्टी को, लिटिगेंट को भगा, और उनका जो ऑर्डर होता है वो भी मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह इम्पार्शियल नहीं होता। मोस्टली लोगों को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अगर ये इम्पार्शियल काम करें तो किसी को हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय पे चर्चा की। सर, आपने बहुत बार कलाकारों को भी मदद की है और उनके भी केसेस लड़े हैं, उसके बारे में बताइए। एक बार मैं एक सॉलिसिटर फॉर्म में था तो देवानंद जी की एक फिल्म थी गैंगस्टर, वो अटक गई थी, ये मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने उन्होंने रिलीज़ करने से मना कर दिया। तो हमने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि मोशन पिक्चर एसोसिएशन में जाके हियरिंग करो। तो उसमें मैं देवानंद जी के साथ में उस एसोसिएशन में जाकर के आर्ग्यूमेंट किया था, और उसमें लास्ट में एसोसिएशन ने अलाउ किया और वो फिल्म गैंगस्टर रिलीज़ हुई। उसके अलावा हमारे संपर्क में एक राम सेट्टी जी हैं जिन्होंने मोस्टली अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उनका सेक्रेटरी, उनका असिस्टेंट या उनका दोस्त बन के काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में उनको प्यारे लाल के नाम से जानते हैं। तो उनका भी एक मैटर था जो के फ्लैट का, वो हमने स्मॉल काज में फाइट किया और उसमें भी सक्सेस मिला। इस तरह से बाकी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बाकी ये दो जन का हमने फाइनल डिसीजन तक लाया। दिवाकर सर, अभी एक आपके ज़रिए सवाल पूछूंगा कि आप हमेशा इस लोगों के काम में बिजी रहते हैं, अपने घर पे आप कैसे समय दे पाते हैं? हम असल में ये वकीलों की लाइफ बड़ी बेकार लाइफ हम लोग लगभग 24 आवर्स सर्विस पे हैं। ये तो हमारे परिवार, हमारी औरतें, ये सब एक अलग टेंडेंसी की हैं। अदरवाइज अगर स्ट्रिक्ट हो तो उन्हें तो तलाक दे देना चाहिए क्योंकि हम अपने औरत को, अपने बच्चों को या भाइयों को समय नहीं दे पाते। हम अगर आधी रात को भी कोई इमरजेंसी केस आ गई कि साहब हमको सवेरे का सवेरे स्टे ऑर्डर लेना है, तो हम नींद छोड़ करके, घर छोड़ करके उसका इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर देते हैं। भाई ठीक है, सुबह होगी तो टाइप वाइप करा के कोर्ट भागेंगे, बच गया तेरा तो बच गया। उस टाइम पे औरत झगड़ा करेगी, बच्चे मना करेंगे, क्या लगा रखा है अपने। लेकिन ये सब को छोड़ करके अपने को करना पड़ता है।
तो ये इसे एक हम एक मजबूरी समझते हैं, और फैमिली के लोग अगर कोऑपरेटिव नहीं हो तो सारे छोड़ देवें और हमें जंगल जाना पड़े, तो ये हालत। तो ये बात है, वकील कोई भी वकील, आप सोचते होंगे कि वकील बना दे अपने बेटे को तो वकील कैसे जीता है, ये आपने देख लिया होगा कि उनके लिए रात की नींद भी मुमकिन नहीं है। तो ये आपने आज विषय, हमने बहुत सारे विषय लिए थे। मैं, हमारे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर थे, मैं उनको धमकी देता था कि देख बेटा तू नहीं पढ़ेगा ना तो लास्ट में वकील बनना पड़ेगा, और वकील बनेगा तो जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ पढ़ो। नहीं माने, आज दो लड़के वकील हैं और पछता रहे कि पापा हम पढ़ के कुछ बन गए होते तो अच्छा होता, इसमें तो पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। तो ये हालत। तो ये बात है कि हम अपने बच्चों को वकील बनाएं तो उन्हें आधी रात में भी जागना पड़ेगा, सोने का कोई चांस नहीं है। तो हमने आज बहुत विषयों पे चर्चा की, जैसे एसआरए का विषय हो, फॉक्सो का विषय हो, रेप का विषय हो, और बहुत सारे विषय। तो आज हमने जो हमारे दिवाकर द्विवेदी जी सर के साथ, जो वकील साहब के साथ बात की है, तो आपने इस वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से देखा हो और उसमें अगर किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करने की इच्छा हो तो आप ज़रूर कमेंट में नीचे लिख के भेजिए, हम इसका जवाब आगे के जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें आपको उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो आज दिवाकर जी, आपने यहाँ पर हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं अतुल जैन, नेता नगरी 24/7 चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।